नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में, जो आपका क्रूड ऑयल या कच्चे तेल के संबंध में जो युद्ध छिड़ा हुआ है वो उसी से संबंधित आपका ये आर्टिकल है। तो हम लोग वर्तमान घटनाक्रम के बारे में बात करेंगे, क्रूड ऑयल प्राइस वॉर के बारे में, फिर ओपेक के बारे में बात करेंगे हम लोग। इसी लेक्चर में हम लोग पेट्रोलियम का निष्कर्षण बस शोधन के बारे में जानेंगे, तेल की कीमतों में गिरावट के कारण देखेंगे और इनका वैश्विक प्रभाव भी देखेंगे, भारत पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव भी देखेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि कच्चे तेल के मूल में वर्ष 1991 में हुए खाड़ी युद्ध के बाद सबसे बड़ी गिरावट देखी जा रही है अभी वर्तमान में। हाल ही में सऊदी अरब ने रूस के साथ तेल के दामों को लेकर प्राइस वॉर छेड़ दिया है। दुनिया के प्रमुख तेल उत्पादक देशों में के बीच उत्पादन में कटौती को लेकर सहमति ना बन पाने के बाद सऊदी अरब ने अपनी तेल बिक्री की कीमतों में कटौती कर दी है, जिसके बाद कच्चे तेल की कीमत में लगभग 30% की गिरावट हुई है। 17 जनवरी 1991 को खाड़ी युद्ध प्रारंभ होने के बाद अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। इसके साथ ही खनिज तेल बाजार की दिग्गज कंपनी सऊदी अरामको ने तेल आपूर्ति बढ़ाने की घोषणा की है। इससे मांग की कमी से प्रभावित बाजार में आपूर्ति बढ़ने और सऊदी अरब और रूस के बीच बाजार में मूल्य गिराने की होड़ बनने की आशंका है। जैसा कि आपको पता है कि कच्चे तेल के मूल्य अभी जो चल रहे हैं, ये 1991 में हुए खाड़ी युद्ध के बाद सबसे गिरावट बड़ी गिरावट देखी जा रही है। ठीक है, वर्तमान घटनाक्रम देखते हैं हम लोग। तेल उत्पादक और निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस की पिछले दिनों उत्पादन कटौती पर चल रही वार्ता विफल हो गई है। जो इसकी तेल उत्पादन की कटौती पर चल रही वार्ता विफल हो गई, इसमें कच्चे तेल के घटते दाम को विक्रेता के हिसाब से उचित स्तर पर वापस लाने के लिए इन देशों ने उत्पादन में कटौती जारी रखने का प्रस्ताव रखा था, जिस पर सदस्य सहमत नहीं हुए। उसके बाद सऊदी अरब ने न केवल घरेलू कच्चे तेल के दाम एकदम घटा दिए, 30 वर्षों के निचले स्तर पर ला दिया इसने, बल्कि यह फैसला भी किया है कि वह अगले माह से उत्पादन बढ़ाकर इसे कम 1 करोड़ बैरल प्रतिदिन कर देगा। क्या कर देगा? प्रतिदिन कर देगा। ये समय ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम 31.02 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है। बात करते हैं ओपेक ओपेक के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनी है सभी। ओपीसी एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है, जिसका गठन 10 से 14 सितंबर 1960 को आयोजित बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ने किया था। इन 5 संस्थापक सदस्यों के पास बाद इनमें इसमें कुछ अन्य सदस्यों को शामिल किया गया। कतर 1961 में, इंडोनेशिया इसमें 1962 में शामिल हुआ, लीबिया 1962 में, संयुक्त अरब अमीरात 1967 में, जो आपका अल्जीरिया है 1969 में, नाइजीरिया 1971 में, अल्जीरिया 1969 में, नाइजीरिया 1971 में, इक्वाडोर 1973 में, अंगोला 2007 में, गेबन 1975, इक्वेटोरियल गिनी 2017 में और कांगो 2018 में ओपेक के सदस्य बने। इक्वाडोर ने दिसंबर 1992 में अपनी सदस्यता त्याग दी थी, लेकिन अक्टूबर 2007 में वह पुनः ओपीसी में शामिल हो गए। इंडोनेशिया ने जनवरी 2009 में अपनी सदस्यता त्याग दी। जनवरी 2016 में फिर से इसमें सक्रिय रूप से शामिल हुआ, लेकिन 30 नवंबर 2016 को ओपीसी सम्मेलन की 171वीं बैठक में एक बार फिर इसने अपनी सदस्यता स्थगित करने का फैसला किया है। गेबन ने जनवरी 1995 में अपनी सदस्यता त्याग दी, हालांकि जुलाई 2016 में वह फिर से संगठन में शामिल हो गया है। गेबन देश, ठीक है,
कतर ने 1 जनवरी 2019 में अपनी सदस्यता त्याग दी थी, अतः वर्तमान में संगठन में सदस्य देशों की संख्या 14 है। कितनी? 14। अब बात करते हैं पेट्रोलियम का निष्कर्षण व शोधन। पेट्रोलियम धरातल के नीचे स्थित अवसादी परतों के बीच पाया जाने वाला संतृप्त हाइड्रोकार्बन का काले भूरे रंग का तेलीय द्रव है, जिसका प्रयोग वर्तमान में ईंधन के रूप में किया जाता है। पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण धरातल के नीचे उच्च ताप व दाब की परिस्थितियों में मृत जीव जंतुओं व वनस्पतियों के जीवाश्मों के साथ रासायनिक रूपांतरण से होता है। विश्व में सबसे पहले पेट्रोलियम कुएं की खुदाई संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में स्थित टाइटसविले स्थान पर की गई थी। ड्रिलिंग से प्राप्त होने वाले पेट्रोलियम को कच्चा तेल क्रूड ऑयल कहा जाता है। कच्चे तेल को रिफाइनरी में प्रसंस्कृत किया जाता है और पेट्रोलियम से ही पेट्रोल, मिट्टी के तेल, विभिन्न हाइड्रोकार्बन, ईथर, प्राकृतिक गैस आदि को प्राप्त किया जाता है। पेट्रोलियम से इसके अवयवों को अलग करने की विधि को प्रभावी आसवन विधि कहा जाता है। इसे पेट्रोलियम शोधन भी कहा जाता है। अब बात करते हैं हम लोग तेल की कीमतों में गिरावट के कारण देखते हैं, आखिर तेल की कीमतों में गिरावट क्यों हुई। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक और रूस सबसे बड़ा गैर ओपेक उत्पादक देश है। रूस पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में कमी का सामना करने के लिए, मौजूदा उत्पादन में कटौती करने के लिए किसी भी समझौते पर पहुंचने में विफल रहे हैं। रूस के उत्पादन में कटौती ने से इनकार करने के बाद सऊदी अरब ने नाराज होकर अप्रैल में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। सऊदी अरब अगले महीने अपने तेल उत्पादन को बढ़ाकर 1 करोड़ बैरल प्रतिदिन करने की योजना बना रहा है। सऊदी अरब रूस समेत तेल उत्पादन करने वाले बड़े देश बाजारों में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। दरअसल अमेरिका ने सेल ऑयल फील्ड से पिछले दशक में तेल उत्पादन बढ़ाकर दोगुना कर दिया। अमेरिका जिस तेजी से तेल उत्पादन बढ़ा रहा है, उससे सऊदी अरब और रूस जैसे बड़े देशों के मार्केट पर खतरा मंडरा रहा है। यही वजह है कि रूस ने तेल उत्पादन में कटौती की बात नहीं मानी। कोरोना वायरस के कारण औद्योगिक गतिविधियों में गिरावट के चलते पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में कमी से चीन सऊदी अरब से किए गए अनुबंध में कटौती कर रहा है। चीन में आंतरिक परिवहन और चीन से बाहर यात्रा करने पर कड़े प्रतिबंधों के कारण तेल की मांग में 20% तक की गिरावट दर्ज की गई है। कोरोना वायरस के कारण वैश्विक स्तर पर कई देशों ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आवागमन को सीमित कर दिया है, जिससे पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में भारी कमी देखी जा रही है। अब बात करते हैं तेल की कीमतों में गिरावट का वैश्विक प्रभाव क्या होगा। तेल की कीमतों गिरने से विश्व पर प्रभाव क्या पड़ेगा। कम तेल की कीमतें रूस और वेनेजुएला जैसे तेल उत्पादकों के लिए एक समस्या है, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था गहरे संकट में है। तेल की गिरती कीमतों से अमेरिका, चीन, जापान, भारत जैसे बड़े तेल उपभोक्ता देशों को लाभ प्राप्त होगा। सऊदी अरब और मध्य पूर्व के उत्पादक देशों को तेल से प्राप्त राजस्व में भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है, जो उनके विदेशी मुद्रा भंडार को काफी हद तक कम कर सकता है। इससे इन देशों में आर्थिक मंदी आने की भी संभावना रहेगी। तेल की कीमतों में गिरावट जारी रहने पर मध्य पूर्व के देशों का भू राजनीतिक महत्व कम हो जाएगा। इन देशों में घरेलू राजनीतिक अस्थिरता भी आ सकती है। भारत पर तेल की कीमतें गिरने के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत पर सकारात्मक प्रभावों के बारे में। भारत तेल का चौथा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। तेल की गिरती कीमतों का एक बड़ा लाभार्थी है। घटी हुई कीमतें न केवल आयात बिल को कम करेंगी, बल्कि विदेशी मुद्रा को बचाने में भी मदद करेंगी। इससे चालू घाटा खाटा संतुलित करने में सहायता प्राप्त होगी। तेल की कीमतें गिरने से अन्य आवश्यक वस्तुओं की उत्पादन लागत में कमी आएगी और इस प्रकार अर्थव्यवस्था में समग्र मुद्रा स्फीति में गिरावट होगी, जिसका सीधा लाभ आम जनता को प्राप्त होगा। तेल की कीमतों में गिरावट से भारत प्रमुख विकास कार्यक्रमों
और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर अधिक व्यय के साथ राजकोषीय समेकन का प्रबंधन करने में सक्षम होगा। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण भारत सरकार के लिए सब्सिडी का बोझ काफी कम हो जाएगा, जिससे राजकोषीय घाटे को कम करने में मदद भी मिलेगी। अब भारत के पर जो नकारात्मक प्रभाव होंगे इसके उनके बारे में बात करते हैं। तेल उत्पादक अर्थव्यवस्थाओं के लिए भारत से निर्यात तब प्रभावित हो सकता है जब तेल की कम कीमतों के कारण उन अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर में अप्रत्याशित कमी होगी। चौथा सबसे बड़ा तेल आयातक होने के अलावा भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक निर्यातक भी है। तेल की कीमतों में गिरावट से अर्थव्यवस्था के चित्र को नुकसान होगा। खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में आनिवासी भारतीय रहते हैं। अगर इन तेल उत्पादक देशों की विकास दर कम होती है तो उनकी आय प्रभावित हो सकती है। इससे भारत को प्राप्त होने वाला प्रेषण कम हो जाएगा। कम तेल की कीमतों के कारण ईंधन को की खपत अधिक खपत हो सकती है, जो शहरी प्रदूषण को भी बढ़ा सकती है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL को बेचने के लिए केंद्र का विनिवेश कार्यक्रम नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है। निष्कर्ष रूप से भारत के पास अर्थव्यवस्था की गिरती विकास दर को संभालने का स्वर्णम अवसर है। भारत अपने चालू खाता घाटे को संतुलित करते हुए राजकोषीय समेकन की बेहतर स्थिति को प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही भारत को भू राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण दोनों देशों के साथ समन्वय पूर्वक अपने संबंधों को परिभाषित करना होगा। तो ये था आपका क्रूड ऑयल प्राइस वॉर से संबंधित आपका महत्वपूर्ण आर्टिकल। ठीक है।